नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश शांडा। ट्राई सिटी अपडेट में सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। मुलोया में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर फूटा लोगों का गुस्सा, अभियान रोका गया, एसडीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। रिटायरमेंट से 20 दिन पहले जस्टिस अजय तिवारी ने दिया इस्तीफा, किसी बड़े ओहदे पर हो सकती है तैनाती। और स्कूली बच्चों को घुड़सवारी सिखाएगी चंडीगढ़ पुलिस, पुलिस लाइन में खोला ट्रेनिंग स्कूल। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मंगलवार को मलोया में अतिक्रमण हटाने का अभियान छेड़ा गया। अभी दो ही जगह अतिक्रमण हटाए गए थे कि वहां के निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अतिक्रमण हटाने आई टीम को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद वहां अर्धसैनिक बल और पुलिस बुलाई गई। काफी झड़प भी यहां देखने को मिली, लेकिन अतिक्रमण अभियान बीच में ही छोड़कर अधिकारियों को वापस जाना पड़ा, जिसके बाद इकट्ठा हुआ लोग और राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलकर सेक्टर 42 के एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मंगलवार को मलोया में अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई की गई। हालांकि दो ही ढांचों को गिराने के बाद यहां स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इस दौरान प्रशासनिक कार्रवाई को गलत बताया और एसडीएम साउथ के खिलाफ भी आरोप लगाए। स्थानीय थाना क्षेत्र के अलावा मौके पर रिजर्व फोर्स भी बुलाई गई थी, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने सेक्टर 42 एसडीएम साउथ के दफ्तर के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की। वहीं भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने टीम साउथ की कार्रवाई को गलत करार दिया। प्रोटेस्ट आज हम सब लोग इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये एसडीएम साहब हैं, ये जब इनका मर्जी करता है तब भी तुगलक की फरमान जारी कर देते हैं। आज मैं फलाने गांव में मकान तोड़ूंगा, आप फलाने गांव में दुकान तोड़ूंगा, फलाने गांव में मैं जा करके वहाँ पर जो छोटे छोटे अपने जो खेत में भी किसी ने ट्यूबवेल के कोठे हैं उनको तोड़ूंगा। कभी फरमान जारी कर देते हैं, मैं जो ये मार्बल मार्केट है वहाँ पर तोड़ फोड़ करूँगा। जो तुगलकी फरमान है इनका, अब तुगलकी फरमान है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। शहर में और भी अधिकारी हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी अधिकारी हैं और चंडीगढ़ प्रशासन में भी हैं, नगर निगम में भी अधिकारी हैं, पर किसी आदमी ने इतना नाक में दम नहीं किया जितना एसडीएम साहब ने किया है। ये प्रोटेस्ट है, इसलिए हम सब लोग बैठे, और ये किसी पार्टी का भी प्रोटेस्ट नहीं है। तीन मकान को ये तोड़ कर का आए, और आज के मकान नहीं, वे 12-12, 15-15 साल के मकान है, 12-12, 15-15 साल के मकान है। और लोग तो जैसे के बता रहे, कहला उसके पीछे क्या है, जो इनका एक जो वो पीएसओ है ना इनका एसडीएम साहब का, जो उनके उनको मिल लेता है उस पीएसओ को, उसका मकान दुकान या कुछ भी हो उसको तोड़ने की कार्रवाई बंद हो जाती है। जो उसको नहीं मिलता बस समझो उसका किया भाई साहब दे रहे हैं पैसे, ठीक है जी। बस सारे जने साढ़े पिंडा के पटवारी हैं, इस बंदे ने तंग करे भी बहुत ज़्यादा। मैं थानू सीधी भाषा में रामबीर जी ने तो कहा थोड़ा गोलमोल भी पी एस ओ जो मिल रहे हैं, मैं थानू सीधे ही कह रहा जी, ये मंग रहे हैं पैसे जी, पटवारियों ने तंग करे हुए हैं, दुकान वाले इन्हें तंग करे हुए, ये कह भी पैसे इकट्ठे करके लिया और मैनू दे दो। देखो जी हुण पिंड वाले असी अपनी मकान अपनी दुकान अपनी जगह पर मकान बनाया वा जी, असी जद्दी लोग पुराने बैठे हैं, साढ़े बच्चे हो गए, सानू नौकरियां तो है नहीं, कोई ने मोबाइल की दुकान कर ली, कोई ने टायर पेंचर की दुकान कर ली, कोई ने बिल्डिंग की दुकान कर ली जी। अच्छा अपनी जगह में करीबी सरकार की जगह नहीं है जी, तो उससे बाजी ये कहता कोई एसडीएम साहब साढ़े 17 वाले भी हैं, सिटी जी वर्कशॉप वाले भी है, कोई तंग नहीं कर रहा है, वो कहता कोई नहीं थोड़ी रोजी रोटी चली पर गलत काम ना कोई करो है, ठीक है। इस बंदे ने जी मारे 5-7 ग्रोवों का एसडीएम है जी, इसने मारे 5-7 ग्रोवों का जीना हराम कर इस बंदे ने। साड़ी पिंड वाले की यह मांग है जी भी इसका इमीजिएटली चार्ज खोया जाए एसडीएम का, और उस तो बाद जी असी जब तक पिंड वाले उड़ते होर भी साढ़े पिंड वाले आ रहे, काल होगी सारे पिंड, असी जब तक उड़ते हिल के नहीं जाना, जब तक सानू कोई अधिकारी आके श्वासन नहीं दिंदा कि पिंड वाले धक्का नहीं होगा है। वहीं एसडीएम साउथ के ऑफिस के बाहर धनास के मार्बल मार्केट के व्यापारियों ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ये कार्रवाई धनास की मार्बल मार्केट पर भी की जा रही थी। तो
अज इस तरह है जोड़ा यह अज अपना इकट्ठ होया इन्होंने रामवीर जी पट्टी जी ने दसिया चेयरमैन साढ़े सबका चेयरमैन जिला परिषद माड़ू जी ने दसिया तो भी यह जोड़ा है धक्केशाही पिंड हो रही है पिंडा दे बंदे ने अपने मारे बंदे ने सारे ने नीड बेस मतलब मकान बनाए हुए हैं और ये भी नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में सारे प्रशासनिक जिन्हें भी अधिकारी हैं उन्होंने ये कह रहे हैं भी बई सारे का सर्वे करो सारे मकान दो सारिया स्टेटा में मुख्यमंत्री लगे हुए मकान देन ये अपना जिहड़े अफसर हैंगे वो अफसर धक्केशाही चला रहे हैं मतलब भी जे मकान मतलब इन्ह के रेगुलर हो गए इन पर शौचालय हो गए इन पर सारा कुछ मिल गया तो इन्ह का तो मतलब मानू कमाई का साधन नहीं रहूगा तो ये सारा ही मतलब जो धक्केशाही चल रही है। वैसे हमारे को आज 40 से 42 साल हो गए हमारी सेकंड जनरेशन आ गई है पहले हम 50 सेक्टर में बैठे थे उसके बाद उठाया गवर्नमेंट ने 51 में चले गए 51 से उठाया 52 में चले गए 52 से उठाया हमारे को या धनाश की तरफ धकेल दिया मतलब हमारे फुटबॉल बनाई हुई है गवर्नमेंट ने धनाश की तरफ हमने आप जाके देखो कोई गंद नहीं है रोड के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है सब सलीके से सारी दुकानें बनी हुई हैं और गवर्नमेंट ने हमारे लिए 85 एकड़ जगह मलोया के अंदर एक्वायर की हुई है उसके नक्शे बन चुके हैं नक्शे बन चुके कोरोना से पहले नक्शे बन चुके थे सारी तैयारी थी यहाँ पर क्या कि इनकी देरी की वजह से वो हमारे को जगह नहीं दे रहे और हमने गवर्नर साहब को लिख के दे दिया था जिस टाइम भी हमारे को जगह दे देंगे हम विद इन 3 मंथ अपना वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। डड्डू माजरा और मलोया में लाल डोरी के बाहर बने मकानों को गिराए जाने के आदेशों के तहत मलोया में कार्रवाई शुरू की गई थी दो दुकानों पर ही प्रशासन का पीला पंजा चल पाया था लेकिन लोगों ने कार्रवाई रुकवा दी इस दौरान प्रशासनिक अफसरों की चेतावनी और पुलिस बल भी लोगों के गुस्से के आगे कमजोर नजर आया फिलहाल ये कार्रवाई टाल दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल 16 मार्च को प्रशासन से भी मिलेगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। डेराबसी विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए आम आदमी पार्टी के कुलजीत सिंह रंधावा ने भी आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की तरह आज डेराबसी के सिविल अस्पताल में बिना कहे सरप्राइज चेकिंग कर दी। उन्होंने वहां की सफाई व्यवस्था और हाल बेहाल हुए अस्पताल के लिए वहां की सीएमओ को खासी फटकार भी लगाई। उन्होंने वहां आए लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में उनकी ये सभी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। कालका निवासी एक व्यक्ति से पॉलिसी के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 और लोगों को डिटेक्टिव स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या 7 हो गई है। पुलिस इन 3 से पूछताछ कर रही है और पुलिस को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो कि और भी आपराधिक घटनाओं से संबंधित हो सकते हैं। इसमें 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पहले ही, जिसमें 2 लेडीज थी और 2 जेंट्स थे। एक इसमें प्रवीण जैन के नाम का व्यक्ति था जिसने प्रवीण जैन के नाम से एक फर्जी खाता खुलवाया हुआ था और उसमें पैसे गए थे और वो निकलवाए थे। एक इसमें नीतू अरेस्ट हुई है, उसने भी एक फर्जी खाता दूसरे नाम से खुलवाया हुआ था और उसमें अकाउंट में पैसे गए हुए थे। और इनका साथी प्रशांत वो भी इसमें अरेस्ट हुआ है। और एक इसमें जो है टेलीकॉलर एक लड़की और अरेस्ट हुई थी। अब दौरान तफ्तीश इसमें जो है 3 आदमियों के नाम और आए थे। एक्चुअली इस तफ्तीश में क्या है, ये 2 तरह से काम करते हैं। पहला पार्ट तो वो होता है जो कहीं ना कहीं से कोई कस्टमर अरेंज कर लेता है उसका मोबाइल नंबर और उसका, और उस पर टेलीकॉलर उनके जो रखे हुए हैं टीम में वो उस पर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वो उसको तैयार करते हैं कि जी आप हमें इंश्योरेंस में जो है ना जो आपका प्रीमियम है या जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें आपको छूट मिल जाएगी
और उसके लिए आप ये नेक्स्ट जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट की देंगे आपको जो हम बता रहे हैं आप उन खातों में डालेंगे, और जिसमें कुछ कस्टमर्स को ये बेवकूफ़ बना देते हैं। और उसके बाद दूसरा पार्ट ये है कि वो जिन खातों में पैसे जाता है वो एक अलग से पार्ट प्ले करते हैं, वो एक खाता मैनेज करेंगे, उसमें कई लोग होते हैं, उसको पैसे को कैश करवाएंगे, वो फर्जी खाते होते हैं, और उन पैसे को जो है ना उसमें से ये 50% कभी 40 कभी 50 कभी 60 ऐसे ये वापस फर्स्ट पार्ट को करते हैं और ये पैसा फिर उसको आपस में बांट लेते हैं। अब इसमें तीन नाम और खुले हैं जिसमें एक संजय उर्फ अतुल, ये अपना जो है ना इसमें टेलीकॉलर और उसका वहाँ पे काम कराता था, इसने ये नंबर जो है कुलदीप लाल मुदई का जो है मुहैया कराया था। और उसके बाद ये अमित और नागेंद्र, अमित जो है ना ये सदन इसके संजय के पास काम करता है, संजय उर्फ अतुल के और इसने अपने दोस्त नागेंद्र के साथ मिलकर फर्जी अकाउंट में भी कुलदीप लाल के लगभग 30 लाख रुपए डलवाए हुए हैं जो प्रवीण जेम्स और नीतू के खातों में गए हुए हैं। तो इसमें इनको अमित और नागेंद्र को गिरफ्तार किया गया है और संजय उर्फ अतुल को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास अभी तक जो पूछताछ है जो तफ्तीश हुई है उसमें पता लगा इन्होंने कुछ प्रॉपर्टियाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इलाहाबाद और आसपास के एरिया में बनाई हुई हैं, और कुछ इन्होंने जो कैश के बारे में भी जिक्र किया है जो भी इनसे रिकवर करना है, और इसमें कुछ आगामी जो लोग शामिल हैं उनके बारे में पता लगा है जो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी इनकी निशानदेही पे आज इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और आने वाले इसमें दिनों में जो है ना इसमें इनमें दबिश डाली जाएगी और ये रिकवरी की जाएगी। और गाजियाबाद में कुछ इन्होंने बताया हमारे ठिकाने हैं और अभी उनके बारे में भी पता लगाना है और वहाँ पर कौन कौन शामिल है और इनका कितना स्टाफ होता था और जो ये वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी इनका यूज़ करते थे उनको भी रिकवर करना है। पंचकुला डिटेक्टिव स्टाफ ने ही एक व्यक्ति को करीब 5.25 किलो गांजे सहित गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से एक ऑटो भी बरामद की गई है जिसके माध्यम से वह लोगों को नशीला गांजा सप्लाई किया करता था। डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। ये बलदेव सिंह है जो राजपुरा का पटियाला का रहने वाला है, पहले भी इसके ऊपर एक NDPS का केस चला हुआ है और ये कल अपना जो है यहाँ पर हमारे पास कोई हमें सूचना मिली थी, हमारी टीम गश्त पे थी तो इसको शक के आधार पर रोका गया। तो जो ये अपने ऑटो में आया था और इस पर लगभग 4 किलो 715 ग्राम गांजा बरामद हुआ है जो स्मेल और खुशबू के बेस पे इसमें जो है इनको रोका गया। ये फ्लाईओवर माजरी चौक के ऊपर का मामला है और इसमें कल फिर अपना हमारे सिविल अधिकारी इसमें मौके पर बुलवाए गए थे जो उनकी हाजिरी में जो है ना सारा इसमें तफ्तीश हुई है और आज इसको कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लिया जाएगा। जो इसमें आगामी सोर्स ये कहाँ से लाता था और यहाँ किस किस को सप्लाई करता था इसमें सभी चीज़ों का पता किया जाएगा और इसमें अगले लोग अरेस्ट किए जाएंगे। सर एक ऑटो भी बरामद किया गया है। जी हाँ, ये ऑटो में था और इसको शक के आधार पर ही फ्लाई ओवर माधुरी चौक के ऊपर ये ऑटो में था, इसको रोका गया और उसमें जो है ना ये गांजा मिला। तो कीमत कितनी है इसकी? मार्केट के इसके रेट्स लगभग 70-80 हज़ार रुपये का होगा क्योंकि 15 हज़ार रुपये किलो के करीब जो है गांजा ये खरीद के लाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ और नाम आ सकते हैं जहाँ से? बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि ये कहाँ से लेके आया है और यहाँ ये किस किस को सप्लाई करता था क्योंकि ये अच्छी खेप लेके आया है। ट्रेवल टच इमिग्रेशन नामक कंपनी के खिलाफ सेक्टर 34 में हिमाचल से आए 30 से 35 युवाओं ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि इस कंपनी ने उनसे 90-90 हज़ार रुपये लिए और उन्हें तंजानिया का वर्क वीज़ा लगवाने का वायदा किया था, लेकिन ना तो वीज़ा लगा और ना ही उनके पैसे वापस दिए गए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने इन सभी से लिखित में शिकायत मिली है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से ठगी के आए दिन कई मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला चंडीगढ़ से सामने आया है जहां एक या दो नहीं बल्कि करीब 22 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। दरअसल सेक्टर 34 की एक निजी इमिग्रेशन कंपनी ने हिमाचल के करीब 22 लोगों से तंजानिया में वर्क परमिट दिलाने के नाम पर 90-90 हज़ार रुपए ऐंठे हैं। इसी के चलते इन लोगों ने इमिग्रेशन कंपनी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की।
आरोप है कि इमिग्रेशन कंपनी के मालिक ने तंजानिया भेजने के नाम पर 5-5 लोगों की टिकट का ग्रुप बनाया, लेकिन टिकट नकली निकली, जिसके बाद इन लोगों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। इन्होंने हमें बोला था कि हम आपको वर्क वीजा देंगे, काम के लिए वीजा देंगे, आपको बाहर भेजेंगे। हमने बोला सर ठीक है ठीक है। फिर हमको इन्होंने बुलाया, आओ आप, और आपका टिकट वीजा आ गया। इन्होंने हमें टिकट भी दी ठीक है और वीजा भी दिया। तो हमने जब वो टिकट चेक करवाई तो वो 5-5 बंदों की टिकट बनाई थी इन्होंने, 5 बंदों की टिकट बनाई। कहाँ का वीजा बनाया था? तंजानिया का। हाँ, तो 5 बंदों की टिकट बनाई इन्होंने। टिकट ये टच और ट्रैवल के अंदर ही बैठे थे हम, यहाँ से टिकट बना। वो शक्ल से पहचानते हैं उसका, हम वैसे नहीं जानते। हमने 40,000 इनको दिया था उस वक्त जब ये बोलते कि आपका टिकट भी जा गया। जब टिकट आई, हमने टिकट चेक करवाई तो वो शो नहीं हुई। 5-5 बंदों का ग्रुप बनाया इन्होंने ठीक है, बट वो शो ही नहीं हुआ। मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया बैठा, मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि यार टिकट चेक कर। उसने बोला भाई टिकट है ही नहीं, शो ही नहीं हो रही। जब इनको पूछा बोलते होल्ड पे रखी है। मैंने बोला जब आपको पैसा मिल गया आपने होल्ड पे क्यों रखा? इतना टाइम हो गया है। कितना टाइम हो गया आपको? हमें तो सर इनके 2 तारीख को सर मेडिकल कराया था। 2 तारीख को पिछले मंथ ना मेडिकल से दिए। आपको कितना समय हो गया? 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गए सर। इनको 40,000 दिए हैं, 30,000 और था देने। अच्छा, उन्होंने बोला ठीक है यहाँ पे आए तो हमने पासपोर्ट वगैरह जमा कराए थे, तो पासपोर्ट मेडिकल भी हुआ था हमारा। अच्छा, और मेडिकल हो गया, मेडिकल में अप्रूवल हो गया फिर पास है मेडिकल। अच्छा सर, उसके बाद हम फिर आए, उसके बाद इन्होंने वीजा वगैरह ऑनलाइन भेज दिया। तो उन्होंने बोला वीजा वगैरह टिकट करवा लो, पैसा जमा करवा दो। शहर में इमिग्रेशन कंपनियों की ओर से धोखाधड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं जब पीड़ित लोग नजदीकी बीट बॉक्स पर गए तो बीट बॉक्स और चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिमों ने पीड़ितों को अगले महीने की 1 तारीख को आने के लिए कहा। अब देखना होगा कि 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल वाले दिन इन लोगों के साथ इंसाफ होगा या फिर ये लोग अप्रैल फूल का शिकार हो जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय वर्गीय इन दिनों चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां आज पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पंजाब को छोड़ अन्य 4 राज्यों में भाजपा को मिली भारी बहुमत से जीत आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि दिल्ली का रास्ता भी यूपी से होकर निकलता है, लेकिन यूपी में भी शानदार सफलता हासिल कर 2024 के सेमीफाइनल को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5ों ही राज्यों में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। 4 राज्यों में हमने सरकार बनाई है। 1 राज्य पंजाब में हम पहली बार अपने बल पर चुनाव लड़े और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यदि हम देश की भौगोलिक स्थिति देखें तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड बिल्कुल पहाड़ों पर, उत्तराखंड में भी हमने रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है तब से किसी भी सरकार ने फिर से शपथ नहीं ली, और उत्तराखंड में हम फिर से 2/3 बहुमत से जीते। एक बिल्कुल पहाड़ में एक बहुत सुंदर सा प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है अपनी, वहाँ से चले हम तो हम उत्तर प्रदेश आते हैं, देश का सबसे बड़ा प्रदेश। वहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड बनाया। 37 साल बाद कोई सरकार फिर से वापस आई है 2/3 बहुमत के साथ, और हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है। साधारणतया जब सरकार बन जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग कहते हैं सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, हमारे यहाँ प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि हमने वहाँ पर विकास के काम किए। हम यदि गोवा आते हैं तो समुद्र के किनारे का प्रदेश, छोटा प्रदेश, वहाँ बहुत छोटी छोटी सी पार्टियाँ हैं, वहाँ बहुमत लाना बड़ी चुनौती होती है, और वहाँ पर भी 15-20 साल बाद फिर से एक बार एक पार्टी बहुमत के रूप में आई, वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पूर्ण बहुमत के साथ हम वहाँ पर जीते। हम यदि नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ तो मणिपुर, वहाँ पर भी हमारी सरकार थी, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और 2/3 बहुमत से वहाँ पर फिर जीते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत थी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव जो 200
2024 में होने वाले हैं उसका एक सेमीफाइनल था। वो देश की जनता ने बहुत तय कर दिया कि देश किस दिशा में जाएगा, देश किसके नेतृत्व में काम करेगा। इधर चुनाव हो रहे थे, सारा देश का ध्यान चुनाव की तरफ था, और उधर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो गया, भारतीय वहां पर फंस गए 20,000 से ज्यादा। दुनिया के अंदर कोई किसी भी देश का ऐसा नेता नहीं है जो दोनों राष्ट्र नेताओं से बात करके युद्ध विराम की बात कर सके। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों राष्ट्र के अध्यक्षों से बात की। बात करने के बाद उनसे कहा कि आप एक कॉरिडोर बनाइए, उसमें से हमारे लोग निकल सकें। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सेना को निर्देश दिए और हमारे 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकालकर गंगा अभियान की तरह सुरक्षित अपने घर पर वापस लौटाने का काम हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चार मंत्रियों के माध्यम से हुआ। यह सरकार की साख है, यह देश की साख है दुनिया के अंदर। मैं नहीं समझता कि आज देश का, दुनिया का कोई भी नेता आज रशिया से बात कर सके, यूक्रेन से बात कर सके, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की वो लीडरशिप है जिन्होंने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध विराम कराया जब तक एक एक भारतीय नहीं निकला और सबको सुरक्षित निकाल कर लाए। आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, उससे हमारी सरकार ने बड़ी ताकत से संघर्ष किया। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें और लॉजिस्टिक देखें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें हेल्थ का, तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी सब दूर का लॉजिस्टिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा अच्छा। पर यदि हम मोर्टेलिटी रेट देखें, हम यदि कोरोना से प्रभावित मरने वालों की संख्या देखें, तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे कम मौत यदि कहीं पर हुई तो हमारे यहाँ हुई। उसका कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान समय पर लॉकडाउन किया, देश की जनता उनके साथ खड़ी रही, इधर लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को मेडिसिन का काम किया, उधर साइंटिस्ट को चुनौती दी, इंजेक्शन बनाई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस तिवारी ने 20 दिन पहले ही रिटायरमेंट से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफों का असल कारण तो पता नहीं चल सका, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वह दिल्ली में सीनियर एडवोकेट के पद पर कार्यरत करेंगे या फिर उन्हें चुनाव आयोग में किसी बड़े जिम्मेदारी पर लगाया जा सकता है। राजीव तिवारी 20 वर्षों से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के अलावा जज की भूमिका निभा रहे थे। घुड़सवारी देश में कहा जाता है कि अमीरों का खेल है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, घुड़सवारी के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए सेक्टर 26 के पुलिस लाइन में एक ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया है, जहां स्कूल के बच्चों को और गांव के बच्चों को निशुल्क घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन DGP प्रवीर रंजन ने किया। घुड़सवारी देश में काफी पुराना और शौकीन खेल रहा है। मौजूदा समय में घुड़सवारी से जुड़े कई स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं। शहर के युवाओं को घुड़सवारी का हुनर सिखाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एक पहल की है। इसके तहत सेक्टर 26 पुलिस लाइन में एक हॉर्स राइडिंग स्कूल खोला गया है। चंडीगढ़ पुलिस के DGP प्रवीण रंजन ने इस क्लब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके अलावा पुलिस के कई और बड़े अफसर भी शामिल थे। इस दौरान स्कूली बच्चों में घुड़सवारी के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से उन्हें यहाँ बुलाया गया। बच्चों ने घोड़ों और घुड़सवारों के करतब देखे, इसे देखकर उनमें काफी रोमांच पैदा हुआ। DGP प्रवीण रंजन ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में चंडीगढ़ पुलिस का एक प्रयास है, इसके तहत स्कूली बच्चों को राइडिंग सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं DGP ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस के घोड़े और ट्रेनर्स स्कूल में उपलब्ध रहेंगे, कोई भी बच्चा इस राइडिंग क्लब में घुड़सवारी सीखने आ सकता है। इसके लिए काफी कम फीस रखी गई है। पुलिस परिवारों के लिए फीस में काफी छूट भी रखी गई है। वे चाहते हैं कि पुलिस के बच्चे अच्छे राइडर बने।
डीजीपी ने कहा कि घुड़सवारी देश का एक बहुत ही पुराना और शौकीन खेल रहा है। इसके प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। स्कूली बच्चों को एक अपील भी की गई है कि किसी न किसी खेल या प्रतिस्पर्धा में वे शामिल हों। प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया का सपना, उसे साकार करने के विचार से ये शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस लाइंस के अंदर सेक्टर 26 में आपने जैसे देखा एक राइडिंग क्लब की स्थापना की है। ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक छोटा सा इनिशिएटिव है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, जिसमें हम बच्चों को, खास करके स्कूल के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं राइडिंग सीखने के लिए, ताकि वो राइडिंग सीख सकें। और उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे उनको प्रदान की है। जो हमारे चंडीगढ़ पुलिस के जो घोड़े हैं और जो हमारे ट्रेनर्स हैं, वो इस स्कूल में उपलब्ध रहेंगे। कोई भी बच्चा जो इस राइडिंग स्कूल में आना चाहता है, वो आमंत्रित है। और उसके लिए हमने जो फीस रखा है, बहुत ही रीज़नेबल फीस रखा है। पुलिस परिवार के लिए हमने उसमें बहुत ही रीज़नेबल डिस्काउंट भी किया हुआ है, ताकि पुलिस के बच्चे और मोटिवेटेड हों, अच्छे राइडर बनकर के सामने आए। और घुड़सवारी जो एक हमारे यहाँ का बहुत ही पुराना, बहुत ही शौकीन एक खेल रहा है, उसमें और लोगों की का इंटरेस्ट जगे, तो यही हमारी उम्मीद है। इस राइडिंग स्कूल के माध्यम से हम हर स्कूल के बच्चों को एक अपील भी करते हैं कि किसी न किसी खेल में, किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में वो शामिल हों। और जो खेलो इंडिया का जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है, उसको आप साकार करें। और इसमें एक हम छोटा सा योगदान इस राइडिंग स्कूल के माध्यम से चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा दे रहे हैं। डीजीपी ने पुलिस लाइन में बने पुलिस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने यहां डॉक्टर को हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली और बेहतर करने को कहा, ताकि ज्यादा मरीज यहां देखे जा सकें। वहीं चिकित्सीय मशीनें भी बढ़ाने को कहा। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि यहां पर डॉक्टरों की कमी है। डीजीपी ने कहा कि वे 15 दिन का समय देते हैं और हालात सुधरने चाहिए। जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में दो ही डॉक्टर हैं, यहाँ पर 3 डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। डीजीपी ने आज पुलिस लाइन में मल्टी कोऑपरेटिव स्टोर का अपग्रेडेशन भी किया गया। यहाँ पर कई तरह की ग्रोसरी आइटम्स MRP से काफी कम रेट पर उपलब्ध हैं। हमने आज पुलिस लाइन में एक अपनी जो कोऑपरेटिव स्टोर है, पुलिस मल्टी कोऑपरेटिव स्टोर, इसका अपग्रेडेशन किया है। ये जो मल्टी कोऑपरेटिव स्टोर है, ना सिर्फ पुलिस लाइन को बल्कि आसपास के लोगों को, आसपास की कॉलोनियों के लोगों को भी काफ़ी सहूलियत प्रदान करता है। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे लोगों को घरेलू सामान मिल जाता है। तो इसको हमने अपग्रेड करने के पीछे हमारा मकसद यही है कि जो हमारे यहाँ पुलिस के परिवार रहते हैं और जो आसपास की कॉलोनियों में लोग रहते हैं, अगर वो सस्ते और अच्छी चीज़ रीज़नेबल प्राइस में लेना चाहें, तो सब आमंत्रित हैं हमारे इस स्टोर में। और इसका माहौल हमने इस तरह का बनाया है कि उनको आने में यहाँ खुशी होगी। जैसा आपने अंदर देखा, एयर कंडीशन लगाया हुआ है हमने, बहुत सारे रैक्स पे आपने देखा सामान बहुत तरतीब से लगाए गए हैं। और इस पूरे अपग्रेडेशन में हमारे जो SSP साहब हैं और उनकी जो टीम है यहाँ पर लाइन्स की, उन्होंने एक बड़ा अच्छा योगदान किया है। तो इसको बड़ा अच्छा स्वरूप मिला है और मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ जिसको देख करके। पिछली बार मैं आया था तो मेरी इच्छा थी कि इसको थोड़ा और अच्छा किया जाए, और बहुत ही जल्दी उन्होंने इस इच्छा को पूरा एक साकार रूप दिया है। तो मैं पूरी टीम का, इनका SSP साहब और उनकी टीम का, मैं भी शुक्रगुजार हूँ। स्टोर से पुलिस कर्मियों के परिवारों के अलावा स्थानीय कॉलोनियों और सेक्टरों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी के लोगों के लिए वीकेंड को मूवी के अलावा अब सर्कस के साथ बिताने का मौका मिलेगा। सेक्टर 34 में कई वर्षों के बाद देश की जानी मानी एशियाड सर्कस शुरू होने जा रही है। इस सर्कस में कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। इस बार एशियाड सर्कस में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। इस वीकेंड पर ट्राई सिटी के लोगों के लिए फैमिली के साथ मूवी देखने के अलावा एक और ऑप्शन जुड़ गया है। जी हाँ, चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित प्रदर्शनी ग्राउंड में 16 मार्च से देश के सबसे पुराने सर्कस में शुमार एशियाड सर्कस शुरू होने जा रहा है। कई सालों के बाद शहर में सर्कस का आयोजन होगा।
देश की मशहूर सर्कस में से एशियाड सर्कस 10 साल के बाद शहर की रौनक बनने जा रही है। इसमें कलाकार अपनी अपनी परफॉर्मेंस और हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके अलावा मौत के कुएं में जाबाज कलाकार गाड़ी चलाकर लोगों की दिलों की धड़कन को तेज करेंगे। इस मौके पर मैनेजर अलंकेश्वर भास्कर और अजय गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोगों के बीच अभी भी सर्कस का क्रेज है। सर्कस की पुरानी परंपरा को एशियाड सर्कस ने आज भी जिंदा रखा है। ये कल से शुरू होगा जी, और कल यहाँ के मेयर जो हैं वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद रोजाना 3 शो चला करेंगे, 17 तारीख से 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे, और कम से कम यहाँ 35 दिन का हमारा प्रोग्राम है। चंडीगढ़ वालों में ऐसा होता है, सर्कस एक ऐसी चीज़ है जो ये हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद जैसे थिएटर में पिक्चर बदलती है, वो तो चीज़ होती नहीं है। सर्कस ही एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन एक शहर में 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आता है। तो उसके अंदर बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको एक ध्यान रखता है कि भी सर्कस, तो वो इस तरीके से मतलब कि वो सर्कस की तरफ आते हैं। यही तो चीज़ें हैं ना, कुछ तो पहले था कि सर्कस के अंदर जानवर होते थे, तो उसकी वजह से भी सर्कस से चलती थी। जब से ये अपना मेनका गांधी जी ने 96 के अंदर ये वाइल्ड लाइफ महकमा बनाया है, जानवर सारे सर्कसों से चले गए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कम मतलब कि भी सर्कस का बिजनेस जो है कम हो गया है। पहले सर्कसें हिंदुस्तान के अंदर, चाहे ऐसे बड़ी सर्कसें, कम से कम 50-60 हुआ करती थी, और आज के टाइम में बड़ी मुश्किल से 5 या 6 सर्कसें रह गई हैं, जिनमें से 2 केरला के हैं और 1 बंगाल के अंदर है, 1 गुजरात के अंदर है, उन्हीं में से 1 हमारा भी शामिल है। तो नुकसान हुआ, हम सर बैठे रहे 2 साल तक बैठे रहे, स्टाफ को घरों में भेजा, बाकी स्टाफ जो था वहीं पर रहा, उनका खाने पीने का इंतजाम जो भी था वो मालिक देते रहे। उसके बाद चलो कोरोना ख़त्म हुआ थोड़ा सा, तो हमें एक दो जगह परमिशन मिली, तो हमने इलाहाबाद लगाया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो फिर हमें बंद करना पड़ा। फिर हमने अभी अक्टूबर में दोबारा से शुरू किया है, फिर हम अभी उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ, बरेली, बदायूं। उसके बाद फिर हमें यहाँ का प्रशासन, एक तो चंडीगढ़ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ के पत्रकार जो वो है, इस लैंड के हमारे के लिए बहुत ही साथ देते हैं। लोगों से हम कहेंगे कि भारी से भारी अपने बच्चों, पेरेंट्स को भी साथ में लेके आएं, ताकि ये उनकी याददाश्त बनी रहे। और हमारे ख्याल से आने वाले कुछ सालों के अंदर ये सर्कस नाम एक सिर्फ किताबों के अंदर ही रह जाएगा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो इसलिए बच्चों समेत, अपनी पूरी फैमिली समेत देखें और अपना इंजॉय करें, फैमिली देखने लायक शो है। 16 मार्च से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलने वाली सर्कस का शुभारंभ चंडीगढ़ नगर निगम मेयर सरबजीत कौर करेंगी। सर्कस में हर रोज 3 शो होंगे, 1 शो में जिम्नास्टिक सहित लगभग 20 इवेंट होंगे। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अब ट्राइसिटी का तापमान। ट्राइसिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 50% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान यही है कि आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, जिससे दिन के तापमान बढ़ेगा और रात के तापमान में भी कुछ बढ़ोतरी लाजमी है। ट्राइसिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राइसिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।